गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रेचा व्लॉग। गुड मॉर्निंग तो नहीं हो रही है, अभी गुड नून हो रही है क्योंकि टाइम देख लो 1 बज गया है। और विधान यहाँ पे लेने आया है छाछ। वो रहा विधान, देखो फोकस चला जाता है, ये अंकल के पीछे है ना, वो विधान है। तो ऑलमोस्ट लंच रेडी हो गया है, रुचा रोटियां बना रही है, तो मैं और विधान छाछ लेने के लिए आ गए। अभी लंच वंच करेंगे, फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। और आज मेरे को रिटर्न सूरत भी निकलना है क्योंकि कल मेरे को ऑफिस जाना है। 2 बज गए हैं, लंच वंच तो सब कंप्लीट कर लिया। और अभी ये देखो वो वहाँ पे सोया हुआ है, ये यहाँ पे सोई हुई है। और टाइम चेक करो, टाइम हो गया है 2:09। मैंने बोला ना, अभी क्या करे, पत्ते वत्ते खेले हैं? वो गोईजू। गोईजा खेल लोगों को नहीं आता, ये मेहसाना का है। तेरे को नहीं आता है क्या यार? क्या मेहसाने बनेगा तो क्या मैं क्या करूँ, मैं जॉब छोड़ दूँ? मतलब तेरे बाद मैं जीतूंगी। हाँ तो ऐसा बोल, रनर अप आएगी फर्स्ट। हिम्मत है तेरी, जो हिम्मत है ना है? उतना तो मैं रोज पैर के नीचे लेके चलता हूँ। ये क्या कर रहा है प्रेरक? पत्ते अलग कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसे अलग होते हैं? अभी इसको क्या करने का, इसे खेलने का और क्या करने? मैं मतलब ऐसा नहीं बोल रही, ये तो वो करता है ना, वो दिखा एक बार। क्या मारता है, फिरकी मारता है ना? देखो सबको आती है, इतनी मस्त फिरकी मारता है ना, एक को देखा हो। मैं करूँ क्या एक बार? तेरे को नहीं आता, करूँ? तो भाई करो, देखते हैं रुचा को कितना आता है। उसको पत्ते ही पकड़ने नहीं आते पहले तो। मुझे याद है। हो गई। चलो भाई अभी इसको देखते हैं। जितना आए उतना करो, बाकी का रहने दो भाई। यहाँ पे अभी हम लोग गेम खेल रहे हैं और फर्स्ट किसकी है टर्न, चल उतरना भाई। काली का एक का उतरना बे ढीले। चलो अपने पास काली का सबसे भारी कौन सा है, बस यही है सबसे भारी, डाल दो। कौन सा है? ले तेरे से भी हल्का। अच्छा जी विधान चल तेरी ही आई। तो अभी हम लोग यहाँ पे खेल रहे हैं काचू फूल, प्रेरक रुचा विधान करपी। यहाँ पे सब सभी जगह पे क्रॉस दिख रहे हैं, ज्यादातर विधान में और करपी में। प्रेरक तेरे में एक भी नहीं आया। Because your bro is... अभी कौन सी सर है? चरकट। चरकट एक भी नहीं है, एक है। चल तू। 4 बज रहे और अपने बना रहे हैं चाय, चाय पीने के बाद देखते हैं क्या करते हैं। बाकी आज तो प्रेरक जा रहा है वापस सूरत, पहले चाय पीते हैं, उसके बाद उसको छोड़ने भी जाना है, तो फटाफट से चाय पीते हैं, उसके बाद उसकी पैकिंग करते हैं, उसके बाद उसको छोड़ने जाते हैं। बज रहे 6 और मैं बाहर हूँ। बाहर कहाँ पे हूँ, तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मैं प्रेरक को ड्रॉप करने आई, वो सूरत वापस जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग आए और यहाँ पे रुके हुए पानी पीने के लिए, क्योंकि बहुत ही गंदी वाली धूप है, यहाँ पे स्किन जल रही है ऐसा हो रहा है, तो अभी पानी के लिए रुके हुए हैं। बाकी अभी प्रेरक को छोड़ने जा रही हूँ मैं रेलवे स्टेशन मेरी छोटी धन्नो के साथ, क्योंकि मुझे छोटी धन्नो ही आती है। तो कोई नहीं प्रेरक, चल मिलते हैं नेक्स्ट वीक, आराम से पहुंच जाना, पहुंच के फोन कर देना। तू भी घर पहुंच के फोन करना पहले, मेरे से पहले तू घर पहुंच जाएगी। तेरी ट्रेन आएगी और मैं घर पहुंचूंगी, ऐसा होगा। 7 बजे की है ना तेरी, तो मस्त लग रहा है बाय द वे। प्रेरक गया बाय। 7:15 बज रहे और मैंने बताया था कि प्रेरक की ट्रेन चलेगी और मैं घर आऊंगी। प्रेरक ट्रेन में बैठ गया है और उसकी ट्रेन निकल भी गई है सूरत जाने के लिए। यार ऐसा हुआ आज की, यार नहीं मत जा प्रेरक तू, क्योंकि अभी है ना हमारी सिचुएशन कैसी हो गई है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जैसी हो गई है। मैं 4-5 दिन ही सूरत रहती हूँ, उसके बाद मेहसाना एग्जाम होती है या फिर अहमदाबाद आ जाती हूँ। फिलहाल तो मम्मी पापा गए हैं हॉस्पिटल मम्मी का ड्रेसिंग करवाने के लिए और विधानंद गर्भित गए हैं बाहर गेम खेलने के लिए। तो अपने अकेले बैठे घर पे क्या करें, कुछ नहीं करेंगे, टाइम पास करेंगे। और आज तो पता नहीं सर इतना भारी वाला दुख रहा है ना मेरे को,
क्योंकि 6 बजे मैं प्रेरक को ड्रॉप करने गई थी, 6 बजे भी इतनी धूप थी, इतनी धूप थी कि मानो स्किन जल रही थी पूरी की पूरी। तो शायद उसकी वजह से सर दर्द हो रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है। 8 बज गए, डिनर रेडी है, मस्त खिचड़ी, आलू की सब्जी एंड पराठे। और अभी भी मैं घर पे अकेली हूँ, मम्मी पापा विदान गर्भित कोई नहीं आया और मेरा सर दुख रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा खा लेती हूँ उसके बाद सो जाती हूँ। प्रेरक अभी मैंने फ़ोन किया उसको, 8 बज रहे तो प्रेरक पहुँचा हुआ है, आनंद पहुँच गए वो, 10:30-11 बजे तक वो सूरत पहुँच जाएंगे। 9 बजने आए लेकिन अभी तक घर पे कोई नहीं आया, तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा सा खा ही लेती हूँ, मुझे सर दर्द हो रहा है, तो मैंने खिचड़ी सब्जियाँ रतलामी सेव डाल दी है थोड़ी सी और जेठालाल चालू कर दिया है, अब ये खाऊंगी और सीधा सो जाऊंगी। बहुत गंदा वाला सर दर्द हो रहा है और विधन भी नहीं है, विधन को फोन घुमाती कि वो कहाँ पर है। वैसे मैं जनरली आधा खाना छोड़ के कभी ब्लॉग शूट नहीं करती हूँ, लेकिन जस्ट मम्मी का फोन आया कि हरी सब्जियाँ पड़ी है घर में, मैंने बोला नहीं लेके आना तुम लोग, और तुम लोग लेने क्यों रुके हुए हो, कहाँ पे पहुंचे, तो बोल रहे शास्त्री नगर पहुंचे, मैंने बोला हाँ तो घर पे आ जाओ, तो बोल रहे मैंने स्टिचिंग तुड़वा दी, 15 दिन बाद तुड़वानी थी, नेक्स्ट मंडे को तुड़वानी थी, अभी तो ऑपरेशन को 1 वीक ही हुआ है, तुड़वा दी। और मैं पूछ रही हूँ क्यों तुड़वा दी, तो बोल रही चलो पापा को थोड़ा काम है, मैं तेरे को बाद में फोन करती हूँ, यार पूरा बता के तो फोन कट कर लिया कर, मेरे से रहा ही नहीं गया। फिर से मैंने फोन घुमाया कि मम्मी मेरे को सही से बता क्या हुआ, तूने क्यों स्टिचिंग तुड़वा दी, कुछ प्रॉब्लम आई थी ड्रेसिंग करते टाइम कि कुछ निकल गया था, व्हाटएवर, तो बोल रही है नहीं डॉक्टर ने बोला है कि अच्छा हो गया है अब, दैट्स व्हाई मैंने स्टिचिंग, मैं तो बोला हाँ तो ऐसा पूरा बताया करना पागल, मैं कितनी डर गई, खाते खाते मैं डर गई, मेरा सर दर्द हो रहा था वो भी मैं भूल गई कि मेरा सर दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर ने उसको बोला है कि देख आपको अभी अच्छा है इसलिए उसको तोड़ दिया, और थर्सडे तक उसको नहाने की मनाही है, मतलब कि उसको थर्सडे के बाद नहाना है, वो नहा नहीं सकती थर्सडे तक, और बैठने की छुट्टी दे दी है। पहले वो आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा कि वो खड़े खड़े खाना खाती थी, उसका लंच ब्रेकफास्ट डिनर स्नैक्स जो भी हो, तो डॉक्टर ने उसको बोल दिया है कि आप अभी बैठ के खाना खा सकते हो, लेकिन जो मम्मा वो बेल्ट पहनती थी वो बेल्ट उसको 2.5-3 महीने पहन के रखना है चलते टाइम, सिर्फ जब वो चलने जाए तब उसको बेल्ट पहन के चलना है, बैठने की छुट्टी दे दी है डॉक्टर ने, बाकी सब फर्स्ट क्लास ऑल राइट है। मैंने बोला देखो दुख रहा है, कुछ पेन हो रहा है, तूने स्टिचेस तुड़वाए, तो बोल रही कि हाँ मैंने एकदम फिटिंग वाला बेल्ट बांधा हुआ ना, तो थोड़ा सा पेन हो रहा है बैठते बैठते, लेकिन वो हो जाएगा थोड़े दिन में, मैं कोई नहीं होता है यार, थोड़ा उसको स्टैंड लगाया हुआ है स्क्रू डाल के अंदर, तो फिर पेन तो होगा ना, अभी उसको बॉडी में कंफर्ट होने के लिए 1 महीना तो लगेगा ना। मैं स्टिचेस तुड़वा दिए, हो रहा है पेन तेरे को थोड़ा थोड़ा कि बहुत, बेल्ट खोले ना तो नहीं दुख तू ना, मम्मी एंड पापा घर पे आ चुके हैं, मम्मी ने बताया वैसे बेल्ट की फिटिंग की वजह से उसको थोड़ा पेन हो रहा था, लेकिन अभी स्टिचेस तुड़वाए और बेल्ट पहनी तो थोड़ा तो पेन होगा, थोड़े दिनों बाद उसकी बॉडी एडजस्ट हो जाएगी। उसने आज बैठे बैठे सुकून से खाना भी खा लिया, मेरे को वो देख के बहुत ही मजा आया। और प्रेरक की बात करें तो प्रेरक भरूच क्रॉस कर चुका है, वो 10:30-11 बजे तक पहुंच जाएगा। और आज आप सबके लिए गुड न्यूज है कि आज कमेंट सेक्शन होने वाला है, मैंने आपको 2-3 ब्लॉग से बोला हुआ था कमेंट करो तो कमेंट सेक्शन होगा ना, आप लोगों ने सीरियसली ले लिया और आप लोगों ने कमेंट करने चालू कर दी, थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो आज प्रेरक सर डेफिनेटली कमेंट सेक्शन करेंगे, तो मेरी ओर से आज का ये ब्लॉग होता है यहाँ पे खत्म, बने रहना, प्रेरक सर आ रहा है कमेंट सेक्शन का आंसर देने के लिए। सो मेरी ओर से आप सबको गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल, मिलती हूँ आपको कल के ब्लॉग में, कीप कमेंटिंग। आप बोलते पब्लिक, भाई फाइनली सूरत आ गया हूँ और अभी टाइम बज रहे हैं 12:15। आप लोगों ने आगे के व्लॉग्स में देखा होगा, वैसे बाइक लेके ही गया था और बाइक से ही आया था। भाई मेरे को ये है ना, ये ऐसी वाली जर्नी बहुत अच्छी लगती है, बट ये जर्नी जब सोलो अकेला मैं होता हूँ तभी मैं ये जर्नी करता हूँ। 105 रुपए की यहाँ से अहमदाबाद की ट्रेन की टिकट, 105 रुपए की अहमदाबाद से यहाँ की ट्रेन की टिकट, टोटल कितना हुआ 210 रुपए। समझ लो मैं यहाँ से बाइक लेके गया, उसका 50 रुपए का तेल आया, तेल हुआ होगा 100 रुपए, वो पकड़ लौट 410 रुपए में तो आपका भाई अहमदाबाद जाके वापस आ गया। बट जोक्स अपार्ट यार, रुचा की मम्मी की तबीयत पूछने के लिए गया हुआ था, ऐसा अच्छा नहीं लगता फोन पे ही पूछ लेते, ये वो फ्री था, एक दिन फ्री था तो मैं बोला चलो भाई जाके आते हैं। और रुचा भी बोल रही थी, बोले प्रेरक आ जाओ, भाई रुचा भी जल्दी आ ही जाएगी, मोस्टली 3-4 दिन में वो सूरत आ जाएगी, फिर मजा आएगा। एंड चलो भाई तो
मेरी मिन्नतों के बाद आप लोगों ने थोड़ी बहुत तो कमेंट्स की है, पहले जो आती थी उतनी ढेर भर भर के तो कमेंट्स नहीं किए, बट थोड़ी बहुत तो कमेंट्स की है। तो चलिए शुरू करते हैं आपका और मेरा दोनों का फेवरेट सेक्शन यानी कि कमेंट सेक्शन। तो पहले है ना थोड़ी बहुत जो कॉमन कमेंट्स जितनी भी है उसके आंसर्स दे देता हूँ, फिर स्पेसिफाई कमेंट्स के आंसर दूंगा। तो सबसे पहले तो भाई आप लोगों का बहुत 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 सारा थैंक यू कि आप लोगों ने रुचा की मम्मी के लिए प्रे किया, रुचा की मम्मी को गेट वेल सून के कमेंट्स किए, किसी किसी ने कमेंट्स किए कि ऑपरेशन मत करवाओ इससे अच्छा बोले हर्बल लाइफ ज्वाइन कर लो, हर्बल लाइफ से ये सब हो जाता है, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आए। बट हर्बल लाइफ के लिए तो क्या बोलना चाहूँगा कि वो अभी अगर मैं और रुचा ज्वाइन करें तो सही है, पर अब ऑपरेशन करवाने का डॉक्टर ने बोल दिया है तो एकदम से हर्बल लाइफ से तो उतना जल्दी तो रिकवरी आ नहीं सकता है। देन एक दूसरे कमेंट थे कि भाई मेरे को कोई पूछ रहे थे कि प्रेरक भाई आप रुचा दीदी की मम्मी को रुचा की मम्मी क्यों बोलते हो, और रुचा को भी पूछ रहे थे कि आप प्रेरक भाई की मम्मी को प्रेरक भाई की मम्मी क्यों बोलते हो। अभी अगर मैं और रुचा बात कर रहे हैं ना तो मैं मम्मी बोलता हूँ, रुचा मम्मी बोलती है, उसमें हम दोनों समझ जाते हैं। लेकिन अगर मैं कैमरे में बोलूंगा कि मेरी मम्मी तो अहमदाबाद में ये कर रही थी तो थोड़ी होगा वो, आप लोगों को समझ में, इसलिए स्पेसिफाई करके बोलता हूँ कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे कि मैं कौन सी मम्मी की बात कर रहा हूँ, मेरी मम्मी की या रुचा की मम्मी की। तो भाई ऐसा होता है, इसके लिए आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे, इसके लिए वो स्पेसिफाई वर्ड यूज करते हैं कि भाई प्रेरक की मम्मी या रुचा की मम्मी है, इस हिसाब से ऐसा तो नहीं बोल सकते ना अहमदाबाद वाली मम्मी सूरत वाली मम्मी, इसके लिए ऐसा बोलते हैं। देन एक दूसरे बस दूसरा कोई कमेंट थे क्या, नहीं थे भाई। चलो बढ़ते हैं अपने स्पेसिफाई कमेंट्स की ओर। स्पेसिफाई कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 3-4 कमेंट्स ही है। तो पहला कमेंट है कि लव फ्रॉम अहमदाबाद, प्रेरक सर आपकी मम्मी को व्लॉग में इन्वॉल्व करो, मज़ा आएगा। भाई वो हमको मज़ा आएगा, अगर काश मम्मी को मज़ा ना आता हो शायद, बट वो भी अभी थोड़े बहुत ये घर के रिनोवेशन के और वो सब काम में लगी हुई है, इसलिए उसको भी व्लॉग में नहीं लेता, और मैं ज़्यादातर अभी व्लॉग शूट करता भी नहीं हूँ। बाकी देखते हैं रुचा आती है फिर उसके बाद एक दो फैमिली चैलेंज वीडियो शूट करने का सोचा, देखो सोचा बहुत कुछ है, ग्रेजुअली आने दो, उसके बाद धीरे धीरे जब शूट हो जाएगा ना तब मैं आपको बताऊंगा कि हाँ भाई ये हुआ है। देन एक दूसरा कमेंट है कि प्रेरक भाई आपके मैरिज आप कितने एज के थे तब हुए थे। भाई मैं 25 मेरा रनिंग था तब, मेरे मतलब मेरी शादी हुई थी एंड देन नेक्स्ट मंथ ही मेरी बर्थडे थी तो मैं 26 का हो गया था। और देन एक लास्ट कमेंट था कि प्रेरक भाई आपका और आपके पापा का बिजनेस अलग अलग है। तो हाँ जी मेरा और मेरे पापा का सब बिजनेस अलग अलग है, रहते इकट्ठा ही हम सब और हमेशा इकट्ठा ही रहेंगे, जैसे कि आप और हम हमेशा साथ में रहेंगे, है ना, कभी साथ मत छोड़ना प्रेचा फैमिली। तो चलो आज का ये ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया है तो गिव इट अ थम्स अप, चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं आपको कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल।